अच्छा मेरी बात सुनिए, अगर आप वैसी नहीं हो ना तो आप क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी क्या? अरे जरूर, क्यों नहीं। रुको जरा, सबर करो। तो अभी इनको मैंने बताया कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, ये यकीन ही नहीं मान रहे हैं मेरी बातों पे। क्यों कौन तुम्हारा गर्लफ्रेंड है? तुम मैं तो ऐसे फ्रेंड बोली थी, तुम इसके सामने शो कर रहे हो मैं गर्लफ्रेंड हूँ। यार हद है ऐसे करते। तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो क्या? देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। यार ये आपके सामने शो कर रहे गर्लफ्रेंड, इसका तो मैं कोई गर्लफ्रेंड हो सकते है क्या? अभी तुमने तो भाई, बोला यार। अरे चुप कर रहे नो। कभी भी किसी का हुलिया देख के उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाने का, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है, हुलिया ही बदल डालता है। So guys, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक कलवा एडम था, एक लड़की थी। कलवा एडम उस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था। कलवा एडम ने लड़की को प्रपोज भी किया, लड़की ने हाँ भी किया, लेकिन लड़की ने कलवा एडम का दिल तोड़ दिया उसको नूब बोलकर। उसके बाद हमारे कलवा एडम ने एक बहुत तगड़ा रिवेंज लिया। आप लोगों को अगर जानना है कि रिवेंज कैसे लिया, सो गाइस इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखना। एंड गाइस, अगर आप लोगों ने अगर इस वीडियो को अभी कभी लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि गाइस आप लोग इसी तरीके की और भी बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज को देख सको। सो गाइस चलिए बढ़ते अपनी स्टोरी की तरफ। अरे भाई, अबे जोया, अबे हेलो, अबे तुम सही में लड़की हो? नहीं। हाँ कसम से बोल रहा हूँ यार, मैंने पता ये गेम को ना डाउनलोड हुए ज्यादा टाइम नहीं हो रहा है, लेकिन यार तुम अभी अभी मेरे गेम में आ गई। मेरे को लगा लोग झूठ बोलते थे कि गेम में लड़कियां खेलती है, तुम तो मेरे गेम में ही आ गई। अरे पागल हो क्या, लड़की भी खेलती है। कसम से मैंने आज तक इस गेम में कोई लड़की देखी ही नहीं है यार, मेरे गेम में तुम आई हो। अच्छा कभी भी लड़कियों के साथ खेला नहीं क्या? नहीं, मैं इससे पहले पता है मैं पबजी खेला करता था, पता है, तो मैं पबजी में सोचता था कि यार मेरे को कोई तो लड़की मिलेगी, कोई तो लड़की मिलेगी, मैं उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। मेरे दोस्तों के पास ना बहुत ज्यादा पैसा है, बट ना मेरे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं था। तो मेरे दोस्तों ने बोला कि एक काम कर, तू फ्री फायर डाउनलोड कर, देखो उसमें बहुत सारी लड़कियां मिलेंगी। और पता है क्या, मेरे को ये गेम डाउनलोड करे हुए एक हफ्ता भी नहीं हो रहा है और आप मुझे अभी से मिल गई। अच्छा हाँ, बहुत लड़की खेलती है यहाँ फ्री फायर। मुझे ना गेम में आज तक लड़की नहीं मिली, मेरे को मेरे दोस्तों ने लड़कियों से मिलाया, बट ना मैं जिस भी लड़की से मिलता था ना, सारी की सारी लड़की ना मेरी बेइज्जती करती थी, बोलती थी कि तू नूब है, तेरे पास कपड़े नहीं है, तेरे पास गन स्किन नहीं है। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों बोलती थी, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अरे ऐसा सब मोह माया है, वैसा कुछ नहीं है यार, बस गेम खेलना है। मैं वैसे भी मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं फालतू में अभी खुश हो रहा हूँ, आप मेरे गेम में आ तो गई, फिर भी क्या होगा यार, आप तो मुझे अपना दोस्त भी नहीं बनाओगी क्योंकि मैं एकदम नूब सा हूँ ना। अरे जरूर बनाऊंगी, क्यों नहीं, ऐसा नहीं, सब मोह माया है वो सब कलेक्शन वलेक्शन। सच्ची में क्या आपका मानना यही है क्या? हाँ पता है मुझे ऐसा लगता था कि ना यार ये फ्री फायर गेम में ना जितनी भी लड़कियां होती है ना, सारी की सारी लड़कियां ऐसी ही होती है कि जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, जिनके पास अच्छे कपड़े होते हैं, उन्हीं को अपनी गर्लफ्रेंड बनाते हैं, उन्हीं को अपना बॉयफ्रेंड बनाते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं लोग। अरे ऐसे मत बोलो, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा ही बात है यार जोया जी, आपको पता है क्या, मैंने ना दो तीन लड़कियों को प्रपोज मारा, सारी बोली ए अपनी औकात देख, तेरी तो औकात बिल्कुल भी नहीं है, तेरी तो औकात मेरा भाई बनने तक की भी नहीं है। मैं तो किसी किसी को बहन बोलता था, वो तो मुझे अपना भाई भी नहीं बनाती थी, पता है आपको। ये सब मोह माया, ये सब नहीं है। आप भी ऐसा बोल रही हो, लास्ट में आपको मैं अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगा ना तो आप मना कर दोगे, आप बोलोगी कि ना मैं नुबड़ों को अपनी फ्रेंड लिस्ट में नहीं लेती, मैं दोस्ती नहीं करती नुबड़ों से, सब ऐसे ही होते हैं। अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसे मत बोलो, मैं वैसा नहीं हूँ। सच्ची में आप वैसे नहीं हो क्या? हाँ। अरे ये दोबारा करिए ना, आपने क्या किया? ओ भाई, अच्छा मेरी बात सुनिए, अगर आप वैसी नहीं हो ना तो आप क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी क्या? अरे जरूर, क्यों नहीं। पक्का ना? हाँ
आप भी उन बाकी लड़कियों की तरह तो नहीं बनोगी ना जो कि अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के चले जाती है पैसे वाले लड़के देख के। अरे पागल हो क्या, नहीं ऐसे कैसे छोड़ दूं। सच्ची आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? हाँ बनूंगी ना। मन तो कर रहा है मैं आपको रोज ही मोड़ दूं बट मेरे पास तो है ही नहीं। अरे कोई ना कोई ना। अच्छा चलो हम चलते हैं, आ जाइए हम गेम खेलते हैं ठीक है। हाँ चलिए। मेरे ना गेम में ना बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं उनको आपसे मिलाऊंगा, मतलब उनके पास ना अच्छे अच्छे बंडल है। वो येल्लो येल्लो कलर का बंडल होता है ना, एक येल्लो येल्लो कलर का, पिंक पिंक कलर के बंडल है ना। अरे वो उसको क्रिमिनल बोलते हैं, क्रिमिनल बंडल। और वो पिंक वाले को क्या बोलते हैं? पिंक में उसको बोलते हैं हिप हॉप। हाँ हिप हॉप वाला, हाँ मेरा एक फ्रेंड है ना हिप हॉप वाला, मैं उसको ना आपसे मिलाऊंगा पता है। वो मेरे से बोला था तेरी औकात है तू गर्लफ्रेंड पटा के दिखा, तो मैं अभी उससे मिलाऊंगा। एक काम करिए ना, चलो हम एक गेम खेलते हैं, उसके बाद मैं उससे आपसे मिलाता हूँ ठीक है। ठीक है चलिए। A few moments later. हाँ भाई क्या बोले थे? गाइस अभी ना तरुण भाई बोले थे कि यार मैं एक लड़की नहीं पटा सकता भाई, कपड़ा देख के लड़की पटती है। एक काम करता हूँ, मैं ग्रुप पे बुलाता हूँ। हेलो तरुण भाई। हाँ बोलो। अबे तुम मेरे से बोले थे ना तेरे से लड़की नहीं पटेगी, तू नूब है करके। हाँ तो सच बोला था, झूठ नहीं बोला था मैं। अबे मैंने लड़की पटा ली है बे, और वो मेरे से पता है क्या बोली? ये जो कपड़े वगैरह होते ना, गन स्किन वगैरह, कलेक्शन वगैरह, बंडल वगैरह, सब मोह माया है, समझे क्या? अरे चलो रे नूब, कुछ भी मतलब कुछ भी। अबे मजाक समझ रहे हो क्या? अबे तुम नूब हो, बनवाना जा रहा मेरे को उससे। ए मैं रुक जाओ, मैं बुलाता हूँ रुक जाओ, तुमको यकीन नहीं आता। बुला बुला बुला, मैं भी तो देखो जरा, ये देखो। अरे भाई सीजन टू, ये तुम्हारा फ्रेंड है क्या? हाँ मैंने आपको बोला था ना जोया कि मैं अपने भैया से मिलाऊंगा। ये तरुण पता है क्या बोला था? ये बोला था कि तेरे से लड़की नहीं पटेगी, तो अभी इनको मैंने बताया कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, ये यकीन ही नहीं मान रहे हैं मेरी बातों पे। कौन तुम्हारा गर्लफ्रेंड है? क्यों तुम ऐसे फ्रेंड बोली थी, तुम इसके सामने शो कर रहे हो मैं गर्लफ्रेंड हूँ यार, हद है ऐसे कैसे? तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो क्या? नहीं है, कब बनी मैं गर्लफ्रेंड, ऐसे मत। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी, तुमने मेरे से बोला था कि ये कलेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं होता, सब माया होता है, ऐसा मत बोलो जोया। पागल हो क्या, दिमाग खराब हो गया यार? दिमाग खराब क्या हो गया यार तरुण, कसम से मैं आपको बोल रहा हूँ यार। चुप कर रहे नूब, चुप कर रहे। चलो चलो बाद में जोया, क्या तुम सिंगल हो? हाँ मैं सिंगल हूँ यार। ये आपके सामने शो कर रहे गर्लफ्रेंड, इसका तो भी कोई गर्लफ्रेंड हो सकते है क्या? अभी तुमने तो बोला यार। अरे चुप कर रहे नूब, अरे सब छोड़ो जोया, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? हाँ जरूर बनोगी, क्यों नहीं यार। ये लड़की कैसी है यार, कसम से तुम जैसी लड़कियों के चक्कर से ना मेरा पूरा मन हट गया भाई, कसम से। ये बात याद रखना जोया, आज तुमने ना मेरी बेइज्जती कराई है तरुण भाई के सामने, कल के दिन तुम अपनी ये डिसीजन पे पछतावा करोगी, समझी? तुमने मेरे को ठुकराया है। कौन पछताएगा तेरा ये? अरे मैं रुक जाओ, मैंने तुमको अपनी लिस्ट में रखा, स्टार फ्रेंड किया, मैं तुमको अनफ्रेंड कर रहा हूँ, आज के बाद जाके मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, समझे? और आज से केवल एक हफ्ते बाद जाके देखना, तुझे खुद अपने डिसीजन पे पछतावा होगा कि तूने किस लड़के को मना किया था, समझ गई ना? अच्छा ऐसा है क्या? हाँ अब तुम देखो। हाँ, बस पहले पहले बार क्या? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो भाई लोगों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि कलवा एडम की गर्लफ्रेंड ने उसको उसी के फ्रेंड के सामने बेइज्जत करके ऐसा बोल दिया कि भाई तुझ नुबड़े की गर्लफ्रेंड कौन बनेगी। उसके बाद गाइस होना क्या था, हमारे कलवा एडम ने बहुत मेहनत करी, बहुत ज्यादा मेहनत करी, या तो ये भी बोल सकते कि किसी और से आईडी खरीद ली। सो गाइस उसके बाद हमारे कलवा एडम के पास बहुत सारे तगड़े तगड़े बंडल्स आ गए। एंड गाइस अगर आप लोगों को देखना है वो बंडल्स कौन से हैं, तो गाइस इस वीडियो में आप लोग को आगे देखने को मिलेंगे। लेकिन गाइस इससे पहले इस वीडियो को दोबारा से लाइक कर दो, मैं आप लोग को दोबारा बताने आया हूँ। एंड गाइस आप लोग देखो हमारे कलवा एडम ने इस बार रिवेंज किस प्रकार से लिया है। आज बहुत दिनों बाद गाइस मैं इतनी मेहनत करने के बाद, इतना कलेक्शन मैंने अपने अंदर बना लिया है कि आज मैं उस नुबड़े की औकात उसको याद दिला सकता हूँ। तो भाई आज मैं वो लड़की की भी बिल्कुल बैंड बजा दूंगा, मेरी लिस्ट में तो नहीं है लेकिन ये जो लड़का है इसकी ही वो गर्लफ्रेंड है, तो भाई इसके ग्रुप पे वो पक्का होगी। मैं काम करता हूं, मैं इसके ग्रुप पे जाता हूं। हेलो। हाँ और तरुण भैया, याद है कौन हूं मैं?
तो वही नूब है यार, तू नूब है यार। वही नूब रहा है क्या भाई? पहले नुबड़ा बड़ा बोलना बंद करो, एक काम करो ग्रुप को प्राइवेट करो, बहुत सारे लोग हैं जो आज मेरे से मिलना चाहते हैं, समझ रहे हो? अबे हंस रही है। ओ जोया तू वही है ना, याद है कौन हूँ मैं नुबड़ी? अरे तू अभी भी मेरे बीएफ से नूबी है, कैसे उछल रहा है देखो इसको। तेरे बीएफ से नूबू? अबे कम से कम तुझसे तो प्रो हूँ ना, तू वही की वही रहेगी और मैं देख कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कहाँ से कहाँ पहुँच गया? ऐसे बोल रहे कि इसके पास मुझसे ज्यादा कलेक्शन आ गया भाई, कैसे बोल रहे? देखो देख रही है क्या पहना है मैंने, देख रही है क्या पहना है मैंने तरुण? क्या पहन? तेरी तेरी गर्लफ्रेंड को, तेरी गर्लफ्रेंड को तो बिल्कुल भी अकल नहीं है, उसको गेम की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उसको पता तक नहीं होगा ये बंडल की कितनी वैल्यू है, इसको बता कि क्या पहना है मैंने। तेरे बॉयफ्रेंड को तक डर लग गया जोया, आप तो हार मान ले। रुक अभी तो ये एकदम स्टार्टिंग था, ये देख, देखा है कभी? अबे ये कहां से लेके आ गया ये भी नूब था यार, ये कसम से नूब था ये। देखा है कभी जोया? हाँ क्या बोली थी तू उस समय तरुण के सामने कि इसको तो कौन अपना बॉयफ्रेंड बनाएगा ना? रुक अभी तो मैं तेरे को दिखाता हूँ, अभी तो मैंने तेरे को केवल एक चीज दिखाई है। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ? और हाँ जैसे तू तरुण के ग्रुप पे आई थी तूने क्या बोला था? सीजन टू, ये देख सीजन टू के साथ सीजन वन भी है मेरे पास, अब बोल। अरे सॉरी यार। क्या सॉरी? हाँ क्या बोली थी तू? तेरे बॉयफ्रेंड से ज्यादा नूब हूँ मैं, अब तो तेरा बॉयफ्रेंड भी बताएगा कि नूब कौन है और प्रो कौन है। क्यों तरुण? अरे यार मेरी डिसीजन गलत था यार, सॉरी। जिंदगी में एक चीज याद रखना, कभी भी किसी को भी चैलेंज देना देना, लेकिन एक कलवा एडम को कभी चैलेंज मत देना, समझ गए हो? अरे सॉरी यार, अब मान जाओ। क्या मान जाओ? कलेक्शन होने के लिए तो मेरे पास उस समय भी कलेक्शन था, बट मैं देखना चाहता था कि साला तुम लोग एक नुबड़े को कैसे ट्रीट करते हो, समझ रहे हो? अरे हमको ये कलेक्शन वगैरह पसंद नहीं है यार, हम तो अपने कलवा एडम में ही खुश है, समझे? चलो सॉरी यार, चलते हैं हम, बाय बाय। तो भाई लोगों आज की जो वीडियो थी, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि भाई कभी भी कलेक्शन के पीछे मत भागो, क्योंकि गाइस आप लोगों को भी पता है कि भाई हमारे गेम में जितने भी रेयर बंडल्स थे एक एक करके गरीना वाले उनकी वाट तो लगा ही रहे भाई, एक एक करके गेम में वापस आने में लगे वो सारे के सारे बंडल्स, क्योंकि गाइस आप लोगों को भी पता है कि कुछ दिनों पहले लोकेश गेमर वाला बंडल नहीं आया था, लेकिन अचानक से लोकेश गेमर वाला बंडल हमारे गेम में भी आ गया। एंड गाइस आने वाले टाइम पे शायद ऐसा भी हो सकता है कि भाई क्रिमिनल बंडल वापस आ जाए, हिप हॉप बंडल वापस आ जाए, साकुरा बंडल वापस आ जाए, तो भाई ये बंडल्स के पीछे कभी भी मत भागो गाइस। एंड गाइस इसीलिए मैं कभी भी बंडल के पीछे नहीं भागता भाई, अपन तो एकदम कलवा एडम के साथ पहले भी इस गेम में खुश थे और आज भी इस गेम में खुश है। तो गाइस एक बार मेरे साथ आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जाके बोलो #कलवा एडम जिंदाबाद। सो गाइस इसी के साथ आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर ही खत्म करते हैं, कल मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में। एंड गाइस अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो गाइस आप लोग मुझे कब जरूर से बताना, क्योंकि गाइस मैं इस तरीके की और भी मजेदार सी वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।